स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहां पे मैं दोस्तों बात करने वाला हूं एक ऐसे फुटवेयर स्टॉक की जो ऊपरी स्तरों से आप कह सकते हैं लगभग 30% के आसपास टूट चुका है पिछले एक साल में। कह सकते हैं निवेशकों का आप कह सकते हैं काफी फेवरेट स्टॉक रहा है एक समय में, लेकिन इनपुट कॉस्ट के लगातार बढ़ने के कारण, मार्जिन में प्रेशर आने के कारण यह स्टॉक लगातार आप देख रहे होंगे गिरावट दिखा रहा है दोस्तों। रिजल्ट के बाद भी कुछ बहुत तेज ना गिरावट हुई ना तेजी हुई है, और अब जो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स हैं, जो वो लोग जो आप कह सकते हैं कि इस रिलैक्सो के स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने की सोच रहे थे, उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि क्या इन स्तरों पर इस पर निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कुछ भी खराब नहीं दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं इस स्टॉक में अगर आप कह सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं आने वाले समय में, वो मुझे सिर्फ दिखती है मार्जिन प्रेशर, क्योंकि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ रहा है। लेकिन जो इनके आप कह सकते हैं जो इनके आप कहते हैं जो MD हैं रिलैक्सो के, उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तमाम एनालिस्ट क्या कह रहे हैं रिलैक्सो के बारे में कि रिलैक्सो एज अ शेयर में क्या करना चाहिए, तो ये तमाम चीजों में मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और यदि आप स्टॉक में निवेश की सोच रहे थे तो ये स्टॉक आपके रिसर्च में बहुत बहुत मदद करेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा मैं आपको लेके चलता दोस्तों उस शेयर की तरफ। देखिए आप देखें रिलैक्सो फुटवेयर, ठीक है, रिलैक्सो फुटवेयर। और बात करूं मैं अगर आपसे कि भाई रिलैक्सो में जो ये आप कह सकते हैं रिलैक्सो में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखें तो 0.33% की आप देख रहे होंगे कि तेजी देखने को मिल रही थी, ठीक है। और अगर हम देखें दोस्तों तो पिछले 5 दिनों में आप देखें 3% से भी ज्यादा की गिरावट है, पिछले 6 महीनों में आप देखेंगे तो मोर देन 22%, और एक साल में ऊपरी स्तरों से अगर आप देखें, ये ऊपरी स्तरों से स्टॉक में बहुत बहुत गिरावट, मोर देन 30% की गिरावट दिखा चुका है ये स्टॉक दोस्तों, ठीक है। तो अब आप कह सकते हैं कि जो निवेशक हैं उन्हें ये लग रहा है कि भाई आगे क्या क्या इन स्तरों के बाद से स्टॉक में निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले चीज फंडामेंटली दोस्तों स्टॉक, ये जो स्टॉक है वो बहुत ज्यादा शानदार है दोस्तों, तो फंडामेंटल के बेसिस से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बात करें कि भाई साहब क्या इसमें निवेश करना चाहिए, तो इसका जो आंसर है ये आपको थोड़ी समय में स्टॉक के ऊपर जब मैं चर्चा करूंगा आपको दे दूंगा। इसका जवाब देखिए, सबसे पहली चीज समझिए कि MD रिलैक्सो के MD क्या कह रहे हैं, क्या इश्यू लग रहा है इनको। तो देखिए रिलैक्सो सीइंग डिमांड फॉर मास मार्केट चीपर प्रोडक्ट डाउन ड्यू टू इन्फ्लेशन, ठीक है, जो मास मार्केट है वहां से डिमांड देख रहा है दोस्तों रिलैक्सो, और चीपर प्रोडक्ट है दोस्तों इन्फ्लेशन के कारण नीचे आ रहे हैं, ठीक है। मार्जिन इज अंडर प्रेशर बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइसेस आर रियली रनिंग हाई, वेरी हाई, बट नाउ दिस क्वार्टर एंड नेक्स्ट क्वार्टर देयर इज सम सॉफ्टनिंग एंड दैट विल हेल्प द कंपनी। देखिए ये बात तो सही है पिछले समय से, क्योंकि आप समझिए क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल होता है ना दोस्तों, वो रबर की कंपनीज के लिए, वो कंपनी जो रबर के की चीजें बनाती है और कह लीजिए रिलैक्सो में जो स्लीपर्स लगते हैं जो चीजें लगती है इसमें यूज होता है, और ये इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ाता है। और यही बात कह रहे हैं कौन, आप देखिए राकेश कुमार जी, राकेश कुमार दुआ जी, MD जो रिलैक्सो फुटवेयर के हैं, ठीक है। और देखिए आने वाला क्वार्टर और समय में थोड़ी सी रिलैक्समेंट आपको मिलते हुए दिख सकती है, क्योंकि कमोडिटी के प्राइसेस काफी हद तक नीचे आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो जो कह सकते हैं आप जो वर्स फेस था, ठीक है, वो लगभग खत्म हो चुका है दोस्तों, ठीक है। और तमाम चीजें इसके आप कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइस में प्राइजन हो चुकी है। आगे देखें Across the consumer space, price hikes are taking place. You have also taken a price hike. Is there any impact as far as demand is concerned? Has there been any sort of down trading in mass product? देखिए, price hike सब कर रहे हैं, relaxo ने भी की, तो सवाल इनसे यही पूछा गया कि जब आपने price hike की तो क्या demand में कुछ कमी आई, और आने वाले समय में आप कह सकते हैं has there been any sort of down trading in mass products? और जो mass products हैं, जो बड़े products होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को किया जाते हैं, वहां पे कुछ कमी आ सकती है। देखिए
वी सी दैट इन आर्टिकल्स वेयर आर मेंट फॉर मासेस विथ अप टू रुपीज 150 एमआरपी देयर इज एन इफेक्ट आर्टिकल्स अबव 150 रुपीज सच एज दोज प्राइस रुपीज 500 एंड अबव आर रैदर इंप्रूविंग। देखिए वो प्रोडक्ट जो 150 के एमआरपी में थे वहां पे आप देखिए तो कुछ इफेक्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो 500 से ऊपर है 500 आसपास है वहां पे बल्कि इंप्रूव दिखाई दे रहा है। दैट मींस द मासेस आर सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन मोर देन अदर क्लासेस। इसका मतलब ये है दोस्तों कि इस जो कह लीजिए जो आपके वो इंसान जो कह लीजिए उतने महंगे प्रोडक्ट्स नहीं ले पाता, थोड़े सस्ते प्रोडक्ट्स देखने की कोशिश करता है, वहां पे इन्फ्लेशन का सबसे ज्यादा असर हुआ है, ना कि उनके ऊपर। क्योंकि ये सही बात है दोस्तों, वो इंसान जो 150 रुपए 180 रुपए दिया करता था उसके लिए 10-10 रुपए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आदमी जो 500-600 रुपए दे रहा है वो लीजिए 550 दे सकता है, 650 दे सकता है, काफी हद तक ये मुमकिन हो सकता है। ठीक है, तो उस क्लास को उतना इफेक्ट नहीं हो रहा है जितना इन मास प्रोडक्ट की क्लासेस को हो रहा है। परस्यूज आर श्रिंकिंग एंड पर्सेस आर श्रिंकिंग एंड मासेस आर ट्राइंग टू फाइंड इफ दे कैन हैव सम चीप ऑल्टरनेटिव, बट इन द लॉन्ग टर्म दे आर ओनली इंप्रूविंग। पीपल नो दैट ब्रांड मीन्स क्वालिटी एंड क्वालिटी मीन्स बेटर वैल्यू फॉर मनी। और देखिए यही आती है ब्रांड की पावर, और यही कह रहे हैं कि भाई लोगों के पॉकेट्स में ना पैसे अब कम है तो वो सस्ती चीजें भी देख रहे हैं, लेकिन वो एक बात समझते हैं कि ब्रांड का मतलब क्या है, आपके जो पैसे जहां लग रहे हैं उसमें वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और आप देखिए इन कमिंग डेज ये आगे कहते हैं दैट इन कमिंग डेज थिंग्स विल इंप्रूव इन दैट सेगमेंट एंड एट द सेम टाइम वी विल कीप अ वॉच ऑन कंज्यूमर बिहेवियर अलाइंग अवर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली। और देखिए यही बात ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने कंज्यूमर को बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं, और जैसे जैसे उनके बिहेवियर्स में चेंज आएगा या जैसे जैसे वो अपनी चीज़ों को चेंज करेंगे, कह लीजिए अपना बिहेवियर पैटर्न बाइंग पैटर्न, उस हिसाब से अपना हमारा पोर्टफोलियो एडजस्ट करेंगे। यानी कि मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा सतर्क है, वो समझ रही है प्रॉब्लम कहाँ है, वो जान रही है कि इशू कहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, अब बात करते हैं। आप देखिए यहां से पढ़ता हूं दोस्तों मैं, यहां से कंपेयर टू 52 वीक लो द शेयर हैज गेन 6.68% टिल डेट, रिलैक्सो फुटवेयर शेयर हिट इंटर डे हाई ऑफ 998। ठीक है, और अभी से जो क्वार्टर वन के नतीजे पेश किए उसकी बात करें, इन Q1 करंट फिस्कल रिलैक्सो पोस्टेड 24.90 आप कह सकते हैं 25% राइज इन नेट प्रॉफिट टू 38.67 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड जून 30। ठीक है, इसने लगभग 25% के आसपास की इंप्रूवमेंट देखा है नेट प्रॉफिट में दोस्तों, विच इज वेरी गुड। ठीक है, अब एनालिस्ट का क्या कहना है स्टॉक के ऊपर, ये सब चीजें तो हो गई, एनालिस्ट क्या कह रहे हैं तो देखिए, जो रवि सिंह है वाइस प्रेसिडेंट हेड रिसर्च ऑफ शेयर इंडिया, रिलैक्सो फुटवेयर स्टॉक इज विटनेसिंग सेल ऑफ सिंस द कंपनी पोस्टेड म्यूटेड मार्च क्वार्टर। देखिए गिरावट का सिलसिला जो एक्चुअल शुरू हुआ वो हुआ मार्च क्वार्टर से, जब अर्निंग एमर्ज हायर इन्फ्लेशनरी प्रेशर विच हैम्पर्ड द वॉल्यूम्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर रिलैक्सो, जो कि अर्निंग और कह लीजिए जो अर्निंग क्यों कम हुई थी इन्फ्लेशनरी प्रेशर के कारण, इनके वॉल्यूम्स और प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई थी। द आउटलुक ऑफ कंपनी स्टिल वीक एंड इट्स एडवाइसेबल टू अवॉइड द स्टॉक एट प्रेजेंट, द स्टॉक प्राइस में अंडरगो मोर करेक्शन टू टच लेवल ऑफ रुपीज 750 इन द टर्म। आप समझ जाइए 750 भी आपको स्टॉक दिखा सकता है, ये कहना है कि इनका रवि सिंह का, और अभी निवेश को थोड़ा दूर रहने की बातें कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक अभी भी वो तेजी नहीं दिखाएगा जिसकी लोगों को उम्मीदें हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं ए आर रामचंद्रन की, जो को फाउंडर ट्रेनर है टिप्स टू ट्रेड के। इवन दो द रीसेंट क्वार्टर वन थ्रू अर्निंग आर एक्सलेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर दिस हैज बीन अ बिलो पर अर्निंग अपडेट टिल अ डेली क्लोज अबव 1010 इजंट अचीव्ड ट्रेंड लुक्स वीक एट अ फर्दर करेक्शन टिल 943 इवन 920 इज पॉसिबल। ठीक है, एक कह रहे कि भाई अभी जो रिजल्ट आया ईयर ऑन ईयर तो काफी अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तेजी हमें फिर भी उतनी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो स्टॉक गिरावट दिखा सकता है और ये गिरावट 920-940 भी जा सकती है। ठीक, अब आगे चलते हैं और देखते हैं भाई सेंट्रल ब्रोकिंग क्या कह रही है इस बुलिश और रिलैक्सो आफ्टर Q1 वार्निंग। तो सेंट्रल ब्रोकिंग में दोस्तों काफी हद तक आप कह सकते हैं कि बुलिश है स्टॉक में। ठीक है, ये कह रहे हैं वी मेंटेन अ बुलिश स्टांस ऑन रिलैक्सो फुटवेयर इंडस्ट्री, वी एक्सपेक्ट मार्जिन प्रेशर मे सस्टेन फॉर वन मोर क्वार्टर बिफोर इंप्रूविंग बैक विद पॉलीमर प्राइसेस कूलिंग ऑफ शार्पली ओवर द लास्ट 3 मंथ, वी एक्सेप्ट ग्रॉस मार्जिन इंप्रूवमेंट ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। पॉलीमर्स के दाम दोस्तों सस्ते हो रहे हैं पिछले 3 महीने में और ये आने वाले समय चीजें अच्छी कर सकते हैं, लेकिन ये भी यही कह रहे हैं दोस्तों कि एक क्वार्टर और आपको थोड़ा देखने मिल सकता है, मार्जिन में प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, वी मेंटेन अवर ईपीएस एस्टिमेट
एड रेटिंग एंड टारगेट प्राइस ऑफ 1057 और 1057 का टारगेट देते हैं। बात करें मनोज डालमिया की, जो भी फाउंडर और डायरेक्टर हैं प्रॉफिट इक्विटीज के, उनका ये कहना है रिलैक्सो हैज बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऑल्सो इट इज बिलो 200 DMA विच इंडिकेट्स अ डाउन ट्रेंड इन द स्टॉक। इट इज बेटर दैट इन्वेस्टर्स स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक फॉर अ व्हाइल, द टारगेट इज 833 इन द नियर टर्म, आउटलुक इज स्लाइटली बियरिश कंसीडरिंग इंक्रीज इन्फ्लेशन, फॉलिंग डिमांड बोथ अर्बन एंड रूरल, ऑल्सो स्टॉक बीन मूव्ड लॉट रिसेंटली एंड देयर माइट बी सम प्रॉफिट बुकिंग। ये भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब अभी भी स्टॉक से दूर रहे, 833 के आसपास ये टारगेट दे रहे हैं। और आखिरी में रवि सिंगल साहब जो है CEO CGL GCL के, After rising crude price margin of the company under pressure, but here from we think it will do better. We can reach 1,270 to 1,350 stop loss 840 के stop loss से दोस्तों 1,270 के आसपास की बातें की जा रही है। ठीक, disclosure group में मेरी कोई personal holding दोस्तों relaxo में नहीं है, ठीक है, for sure मेरी कोई भी personal holding relaxo में नहीं है, लेकिन आप एक चीज समझिए 750 की बातें की जा रही है, 830 की, तो यदि एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप और पॉलीमर्स के नाम नीचे गिरते हुए दिख रहे हैं, 750 बिटवीन 800 एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है यदि आप रिलैक्सो में निवेश करना चाहते हैं, या 800 के आसपास जब तक स्टॉक ना आए तब तक तो स्टॉक से दूर ही रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसलिए नहीं कि स्टॉक शायद उससे ज़्यादा गिर ही नहीं सकता या वहाँ आएगा नहीं, इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी शानदार रीजनेबल रेट में आपको मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसे में सिर्फ इसलिए कि स्टॉक थोड़ा गिर गया 30% इसलिए खरीदना नहीं दोस्तों, ठीक है, गिरावट हो स्टॉक में तब खरीदारी की कोशिश करें, अभी इस स्टॉक को एटलीस्ट अपने वॉच लिस्ट में रखें और थोड़ा सा दूर रहें दोस्तों। तो यदि आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद, ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।